चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां भाद्राबाद में सड़क हादसा हो गया, 6 लोग घायल हो गए। भाद्राबाद में तेज रफ्तार बस ने खड़े ट्रक पर टक्कर मार दी। बस में 30 यात्री सवार थे, बाल बाल बची लोगों की जान। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कई लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर है देवनगरी हरिद्वार से। ये तस्वीरें आपको हम आप दिखाएंगे, बड़ा हादसा। तनवीर अली हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? कितने लोग घायल हुए, घायलों की हालत कैसी बनी है और हादसे की वजह क्या थी? जी, मैं आपको बता दूं, ये मुजफ्फरनगर रोडवेज की बस थी जो हरिद्वार से मुजफ्फरनगर के लिए निकली थी, जिसमें लगभग 30 से 32 लोग सवार थे। बताया गया है कि जैसे ही ये NH-58 भाद्राबाद थाना क्षेत्र में पहुंची, उसी वक्त कोई पगली बताए कोई महिला पागल जो दिमागी रूप से विषक्त थी बिल्कुल, वो रोड पर घूम रही थी। जो जानकारी प्राप्त हुई, उसने बस पर चलती बस पर पत्थर फेंका है, जिस वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर खड़े हुए ट्रक में उसने टक्कर मारी है, जिसमें से 30 लोगों में से 6 लोग लगभग घायल हुए हैं और बस भी काफी रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। जी, लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, फिर सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है, क्या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, या टूटी हुई सड़कें हैं, या तंग सड़कें हैं, या अवैध जो कब्जे हो रहे हैं सड़कों को लेकर? कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर कह सकते हैं, ट्रैफिक नियमों के पालन में भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं लोग। दूसरे रोडवेज की जितनी भी बसें हैं, इनमें आपाधापी लगी रहती है, अपने रूट पर जल्द से जल्द अपने जो इनका जाना होता है, जहां भी बसों को स्टॉपेज इनका होता है वहां पहुंचने के लिए अक्सर ही रोडवेज की बसें तेजी से चलती हैं और अक्सर ही ये एक्सीडेंट करती हैं। लेकिन जब से नेशनल हाईवे यहाँ पर NH बन रहा है और ये फोर लाइन बनने का काम चल रहा है कई सालों से, उसके चलते भी अक्सर यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ही सड़कों का काम अभी चल रहा है और ये सड़कें कई साल से बनने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है और गड्ढे भी सड़कों में काफी हैं। इसी के चलते ये सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन हो या प्रशासन हो या सरकारी हो, किसी तरीके की कोई सुध नहीं ले रही है। जी तनवीर, चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, क्या जो रोडवेज थी उसकी रफ्तार ज्यादा थी अगर रिहायशी इलाका देखें उसके हिसाब से? जी, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे ही ये रोडवेज की बस भाद्राबाद थाना क्षेत्र के NH पर पहुंची है, ये एक ग्रामीण इलाका है जहां से लोग गुजरते हैं, उस वक्त बता रहे हैं कि कोई महिला जो दिमागी रूप से पागल बताई जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर हमसे बातचीत करने के लिए।